सो अब सवाल ये पैदा होता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आप लोगों को शायद पता ही होगा कि प्रायर टू 1757 यानी 1757 से लेकर 1857 तक बहुत सारे रिबीलियन एंड रिवोल्ट्स हुए हैं, बहुत सारी अपराइजिंग्स हुए हैं, लेकिन क्यों 1857 इज द लैंडमार्क ऑफ द ब्रिटिश डोमिनेंसी? व्हाई इज इट सो? द क्वेश्चन कम्स आउट. ओके, सो लेट मी से, प्रायर टू 1757 टू 1857 देयर वर एट लीस्ट एन एस्टिमेटेड अपराइजिंग्स, 54 अपराइजिंग्स टुक प्लेस बिटवीन 1757 टू 1857. ओके, सो नाउ इफ यू ब्राउडली टॉक अबाउट इट्स नेचर, okay, its nature and causes. Okay, so before going to discuss about the nature and discourses, it is pertinent to know about the general background. Okay, so on 20, sorry, it's 29th of March 1857. जी हाँ दोस्तों, ये वो डेट है जब मंगल पांडे ने जो कि एक सिपाही थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया ब्रिटिश के खिलाफ. अब ये देखा जाए तो ये जो रिवोल्ट था, ये पहली बार कोई नई रिवोल्ट नहीं था ब्रिटिश के लिए, लेकिन ब्रिटिश को अंदाज़ा नहीं था कि ये रिवोल्ट ऑफ 1857 एक बड़े लार्ज स्केल पर नेशनल लेवल पर देखा जाएगा. तो चूंकि अब ये नेशनल लेवल पे हुआ, तो अब देखते हैं कि इसका रिस्पॉन्स कहने का मतलब है यहाँ पर इसके काउजेज क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से एक लार्ज स्केल और नेशनल लेवल पे ये रिवोल्ट देखा जा रहा है. लेकिन उससे पहले हम लोगों को उसका नेचर समझना होगा. सो वी कैन टॉक अबाउट द नेचर हियर. अब नेचर कहने का मतलब है कि ये आखिर किस बैकग्राउंड पे हुआ, किस सर्कमस्टेंसेस पे हुआ. तो जनरली ब्राउडली स्पीकिंग अबाउट द हिस्टोरियंस और उसके रिमार्क्स के बारे में हम लोग बात करेंगे तो बेहतर होगा. ओके, सो एक फेमस हिस्टोरियन है, सबसे पहले आता है सिपाही म्यूटनी, राइट? सिपाही म्यूटनी. ओके, सो दैट सिपाही म्यूटिनी, अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस, ये कहीं ना कहीं सिपाही म्यूटिनी भी कहलाता है. अब ये क्यों कहलाता है? क्योंकि कुछ हिस्टोरियंस का मानना है, क्योंकि सबसे पहले जब ये आउटब्रेक हुआ था तो उसके आउटब्रेक होने में कुछ सिपाही ही थे जिसकी वजह से ये आउटब्रेक हो रहा है लार्ज स्केल और नेशनल लेवल पे. तो कौन से ऐसे हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स है जिनका रिमार्क सिपाही म्यूटिनी के फेवर में जाता है? मैं उनका नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, अक्षय कुमार दत्ता, दादा भाई नूरोजी, सैयद अहमद खान एसेट्रा एसेट्रा. तो ये वो इंडियन स्कॉलर्स है जिनका मानना है कि ये कहीं ना कहीं सिपाही म्यूटिनी है. अब आते हैं हम लोग इसके दूसरे लेयर में. अब दूसरा लेयर है नेशनल रिवोल्ट. ओके, सो कौन से ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 को कहीं ना कहीं नेशनल रिवोल्ट का भी नाम दिया है? सो लेट मी से, इट्स कार्ल मार्क्स. बहुत ही फेमस इकोनॉमिक हिस्टोरियन है, वर्ल्ड हिस्टोरियन में इनका नाम शुमार किया जाता है. बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है जिनका रिमार्क है कहीं ना कहीं ये नेशनल रिवोल्ट भी है. और साथ ही साथ हमारे एक इंडियन स्कॉलर है जिनका नाम है ताराचांद, डॉक्टर ताराचांद. ये दो ऐसे रिमार्केबल हिस्टोरियंस है जिनका फेवर जा रहा है रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज नथिंग बट नेशनल रिवोल्ट. ओके, तो इसके अगले पड़ाव पर बढ़ते हैं, अगले लेयर की तरफ बढ़ते हैं. और ये अगला लेयर होता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट? सो यहां एक क्वेश्चन पैदा होता है कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों? ओके, सो
वी डी सावरकर जो कि एक इंडियन स्कॉलर है, वी डी सावरकर, विनय दामोदर सावरकर, मैं इनका पूरा नाम बता देता हूँ आपको, दैट्स सावरकर, सो विनय दामोदर सावरकर के हिसाब से ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, इन द सेंस के ये नेशनलिज्म का एक पार्ट उन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ये। और उसका दूसरा सेंस ये भी हो सकता है क्योंकि नेशन वाइड अब तक जितने भी रिवोल्ट्स हुए थे वो रीजनली लिमिटेड थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जो वॉर ऑफ सॉरी रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसलिए है क्योंकि ये नेशन वाइड हो रहा है इनके हिसाब से। अगला दूसरे हिस्टोरियंस का कुछ और ही मानना है इस बारे में। अब एक और लास्ट लेयर जो मैं बताने जा रहा हूं, दैट इज फ्यूडल रिवोल्ट। ओके, यानी फ्यूडल के जरिए लीड किया गया एक रिवोल्ट था। अब मैं कुछ चीजें बता देना चाहता हूं आपको, एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है इरिक स्ट्रोक्स। इनके हिसाब से इट वॉज मोर देन अ सिपाही म्यूटिनी बट लेस देन अ नेशनल रिवोल्ट। ओके, तो कहीं ना कहीं इरिक स्ट्रोक्स थे जिन्होंने इनको फ्यूडल रिवोल्ट का नाम दिया, और इनके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करते हुए कुछ और भी हिस्टोरियंस उभर कर सामने आते हैं जिनमें अहम नाम है डॉक्टर आर सी मजूमदार। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही रिनाउंड स्कॉलर और हिस्टोरियन है, इंडियन स्कॉलर और हिस्टोरियन। इसके बाद है प्रोफेसर एसनसन। ओके, और भी है प्रोफेसर शिशु बोधन बंदोपाध्याय, और भी कुछ अहम स्कॉलर्स है, बट दैट्स इनफ अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857, अबाउट द नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। ओके, सो ये एक छोटा सा नेचर था, और नेचर मैं इसलिए डिफरेंट हिस्टोरियंस के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि द टॉपिक ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज अ कंटेंशियस इशू एंड द डिबेट रिमेन्स अ सर्कल ओवर इट। ओके, सो ये हम लोगों ने बात की नेचर के बारे में। अब इसके वाइड स्प्रेड काउजेस के बारे में बयान करेंगे कि वाई इज इट फ्रॉम 1757 टू 1857 एक ब्लास्ट बनकर उभर कर सामने आ रहा नेशन वाइड। ओके, 1757 से लेकर जितने भी कोल रिबीलियन, फिराजी मूवमेंट लाइक 12-7 रिबीलियन एंड मेनी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जितने भी रिबीलियंस हुए वो रीजनल लेवल पे रह गए थे, लेकिन ये अब रिवोल्ट ऑफ 1857 कहीं ना कहीं ब्रिटिश का तख्ता पलटने में भी बहुत ही अहम रोल अदा करता है। हाउ इज इट सो, लेट्स टॉक अबाउट द वाइड स्प्रेड काउजेस। काउजेस के ऊपर बात करते हैं, दो टाइप के काउजेस आते हैं। मैं मानता हूं सो फार एज द काउजेस इज कंसर्न आर कंसर्न दैट इज पॉजिटिव, ऑन द अदर हैंड नेगेटिव। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों, दो अलग अलग एस्पेक्ट्स क्यों? तो हर चीजों का दो एस्पेक्ट होता है। अब पहले देखेंगे कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लेकर किस तरीके से नेशनलिज्म का आगाज हो रहा है, किस तरीके से नेशनलिज्म बिगिन हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस आ रहा है एंड इन टर्न फाइनली वो लोग एक बड़े पैमाने पर, एक बड़े स्केल पर रिवोल्ट करने पर मजबूर हो रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके पॉजिटिव काउजेस के बारे में, वाइड स्प्रेड नेशनलिज्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि एज वी ऑल नो कि ब्रिटिश दो केम विद द पर्पस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, बट विद द लैप्स ऑफ टाइम ऑफकोर्स दे गॉट कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, बट एट द सेम टाइम देर वर सम पॉजिटिव आस्पेक्ट्स। व्हाट वर दोस, लेट्स टॉक अबाउट। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज जो होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज जिसको हम लोग कह रहे हैं, ओके, उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, ठीक है, मॉडर्न एडुकेशन सिस्टम बोलते हैं,
ये सबसे बड़ा एस्पेक्ट रहेगा मॉडर्न एजुकेशन और ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज. मैं आपको बता रहा हूँ, वाइड स्प्रेड सोशल रिफॉर्म्स देख लेते हैं, तो ये सब उसके पॉजिटिव काउज हो रहे हैं. तो पॉजिटिव काउज होने का मतलब है जब लोगों में सोशल रिफॉर्म्स होगा, सॉरी वाइड स्प्रेड जब सोशल रिफॉर्म हो गए तो जाहिर सी बात है लोगों के बेटरमेंट के लिए होगा ये. तो जब बेटरमेंट हो रहा है तो जाहिर सी बात है दिमाग और ज़्यादा चलने लग रहा है. मॉडर्न एजुकेशन जब हर चीज़ की कड़ी होती है, एवरीथिंग हर चीज़ की होती है मॉडर्न एजुकेशन, तो वो मॉडर्न एजुकेशन ब्रिटिश के जरिए हिंदुस्तान में आया. तीसरा हम लोग देख रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़, जो सिविलाइजेशन मेथड्स जो होता है नए नए टाइप के, वो अवेयरनेस कहीं ना कहीं वो नॉलेज वो वेस्टर्न से उठकर यहाँ पर आया और हिंदुस्तानियों में अवेयरनेस का सबब बना. तो अवेयरनेस जब आ रही है कहीं ना कहीं तो वो नेशनलिज्म बन रहा है. जब नेशनलिज्म बन रहा है तो जाहिर सी बात है हम लोग सही और गलत में फ़र्क कर रहे हैं. तो जब सही और गलत में फ़र्क कर रहे हैं तो वो बन रहा है रेजिस्टेंस एंड रिबेलियन, एंड दैट इज़ द आउटकम ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. ओके, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेगेटिव एस्पेक्ट. जल्दी जल्दी हम लोग इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं. पॉलिटिकल, ओके, मैं पहले लिख देता हूँ, सोशल, ओके, मिलिट्री, ओके, और इसके इमीडिएट काउज के बारे में बात करेंगे हम लोग. व्हाट आर दोस? अब पॉलिटिकल के बारे में बात करेंगे तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि लॉर्ड डिलोजी ने 1948 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक पॉलिसी को अपनाया था उन्होंने. तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से, और यही वो बहुत बड़ा रीज़न है इसकी वजह से रानी लक्ष्मीबाई ने रिवोल्ट किया. क्यों? क्योंकि इस पॉलिसी के हिसाब से अगर कोई प्रिंसली स्टेट वो फेल हो जाता है कि अगर उसका कोई जाति वारिस नहीं होता है, तो ऐसे सरकमस्टांस में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो उसकी सल्तनत यानी उसके एम्पायर को अपने कब्जे में ले लेंगी. नेक्स्ट आता है सोशल काउस. तो सोशल एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था, ओके, कि वो रेशियल, जिसको हम लोग कहा जा सकता है कि कोई भी मैटर है, किसी भी मैटर में हम लोग इंडियन सिपॉइज को आगे रखेंगे, इंडियंस को आगे रखेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी हम लोग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करेंगे. ये दूसरा एक बहुत बड़ा काउस हुआ. मिलिट्री में देखेंगे कि पेंशन्स के बारे में एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है, पेंशन्स के बारे में, या फिर जो बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं उसको, आला जो तबके होते हैं बेसिकली, जो बड़े बड़े पोजीशंस होते हैं, जो बड़े बड़े जॉब्स रिक्रूटमेंट होते थे, वो हिंदुस्तानियों के लिए नहीं थी. बेसिकली उसमें यूरोपियंस ही ऊपर रहते थे. और लास्ट बट नॉट लिस्ट इज द इमीडिएट काउस. इमीडिएट काउस कहने का मतलब है उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करते हुए हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ते हुए उन्होंने ये बतलाने की कोशिश की थी, ये रूमर क्रिएट करने की कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं आप जो कारतूस निकालते हो, वो जो राइफल चलाते हो, उसके कारतूस में वो कभी कहा जा सकता है कि सुअर का चर्बी है और कभी कहा जा सकता है कि बीफ वाली चर्बी उसमें मिली हुई है. तो ये दो एक बहुत बड़े फैक्टर्स हुए थे, ये रूमर्स क्रिएट हुए थे, और ऑल टुगेदर दैट बिकेम द काउजेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. थैंक यू वेरी मच.